बिहार में हो रहे 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव को लेकर आज जदयू के तरफ से भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। जैसे ही प्रत्याशी का ऐलान हुआ, जदयू के जो प्रत्याशी हैं भागलपुर बांका से, उन्होंने हुंकार भरा। उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उन योजनाओं के बारे में लोगों को बताना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकास का एजेंडा रहेगा और साथ ही उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित बताई है। देखिए किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा है। इसके पहले बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, अशोक चौधरी, जमा खान सहित बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद थे और उन्होंने तमाम बातों को लेकर एमएलसी चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एजेंडा ही उनका एजेंडा रहेगा, विकास के मुद्दे को लेकर वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रत्याशी ने अपनी बातों को रखा है और साफ तौर पर कहा है कि उस क्षेत्र से हमारी जीत सुनिश्चित है, पूरी संभावना है जीत की। एनडीए के प्रत्याशी बनाए गए हैं, इसके लिए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने ये अवसर मिला और एनडीए की पूरी, पहले भी एनडीए की सीट थी और एनडीए की पूरी लहर है, चूँकि पंचायती राज व्यवस्था में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति पूरी निर्वाचित प्रतिनिधियों का काफ़ी व्यापक समर्थन है। उनके कामकाज करने की शक्ति देना, सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह अधिकार दिया गया है, इसलिए काफ़ी हम लोगों के प्रति समर्थन लोगों का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो मुद्दा है विकास का, क्या उन मुद्दे को लेकर स्थानीय चुनाव लड़ा जाएगा या स्थानीय तौर पे वहाँ पे कोई मुद्दा है? नहीं, विकास के मुद्दे पर ही हम लोगों का चुनाव, और विकास ही सबसे बड़ा इस राज्य के लिए सवाल था। और विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या है, पूरे देश में जो राज्य तरक्की किया है वो इतने समय में जितना तरक्की यहाँ का राज्य किया है उतने तेज़ी से कहीं की राज्य विकसित नहीं हुआ है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति तमाम निर्वाचित प्रतिनिधियों को शक्ति दिया जाना, विकास का एक भाग है वो लोग, इसलिए बड़ा समर्थन है उनका। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।